सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अजीब दुनिया का दस्तूर है, दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर आए पर उसकी पहरेदारी के लिए सबको ईमानदार सेवक चाहिए। सार्थक और प्रभावी उपदेश सिर्फ वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। आज का पंचांग 3 जनवरी 2021 दिन रविवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:22 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र शाम 7:56 तक रहेगी। इसके उपरांत फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:30 से 5:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 3 जनवरी 2021 देर रविवार, एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्दी ही ऐसी वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी। आज एक उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। मेहमानों की अवभगत में समय व्यतीत होगा। दोपहर बाद अप्रत्याशित लाभ की स्थितियां बन रही है। इस समय का भरपूर सदुपयोग करें। आपकी सकारात्मक तथा संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे। कोई भी निर्णय लेते समय आप लोगों की रखी गई सोच को अधिक ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से मनचाहे निर्णय लेना आपके लिए कठिन होता है। सबको खुश रखने की आपकी कोशिश आपको ही दुखी बना रही है, इसलिए किस बात को अधिक ध्यान देना है यह तय करें। नौकरी करने वालों को अपनी प्रोजेक्ट संबंधित अधिक जानकारी लेने की आवश्यकता होगी। रिलेशनशिप के प्रति अपेक्षाएं वास्तविकता में रह कर रखें। सर्दी की वजह से गले से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, खर्च के मामलों में ज्यादा दरिया दिली ना रखें। किसी व्यक्ति से पैसे संबंधित लेन देन करते समय वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधित चिंता भी रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रति संवेदनशीलता आपसी रिश्ते को और अधिक मजबूत करेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आप काफी भावनात्मक है और संभावना है कि आपको अपने जैसे ही कोई भावनात्मक और उत्साही बंदा भी मिल जाए, लेकिन आपको उसके साथ नहीं चलना है क्योंकि उसे आपके हाथ निराशा ही लगेगी। ये तो आपको पता ही है कि आकर्षण की चुंबक के विपरीत ध्रुवों में ही होता है। आप अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम करें और अपने स्तर के लोगों के साथ ही दोस्ती बढ़ाने की उम्मीद करें। हो सकता है आप बाद में उनके साथ बिजनेस भी कर पाएं। घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रति संवेदनशीलता आपसे रिश्ते को और अधिक मजबूत करेगी। बात करते हैं करियर की। शेयर्स तथा स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग आज मुनाफा कमाएंगे। मीडिया मार्केटिंग आदि से संबंधित व्यवसाय में भी नई उपलब्धियां बन रही है। इस समय वर्तमान व्यवसाय के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेना शुरू करें। आज का दिन कार्यस्थल पर कुछ हद तक उपजाऊ भी होगा, लेकिन आपको अपने
जरूरी कार्य की अपेक्षा नहीं करनी है। अपनी कागजी कार्यवाही को पूरा करने और सभी सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सावधान रहें। आज आप एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण गलती अपनी लापरवाही के कारण कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका मन बाहर जाने का कर रहा है तो सबसे पहले अपने कार्यालय के लंबित कार्यों को खत्म करें। बात करते हैं सेहत की। आप आज थोड़ा सा निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता। किसी करीबी की एक झप्पी आपके लिए कमाल कर सकती है। इसे शारीरिक आकर्षण समझकर भूल ना करें। अगर आप पर कोई प्यार बरसाएगा तो आप थोड़े भावनात्मक हो ही जाएंगे। इसका अफसोस ना करें। खुद से सवाल किए बिना अपने दिल को हल्का हो जाने दें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों को करने से आज बचें। चोट लगने की आशंका है। आज का उपाय, आज आप किसी को तांबे का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।